और आइए अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं शिवरात्रि के मौके पर किस तरह से मंदिरों में रौनक है, शिव भक्त भक्ति में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें देखिए, बम बम भोले की गूंज हर तरफ सुनाई पड़ रही है। ये दो तस्वीरें, एक तरफ आस्था की डुबकी लगाई जा रही है, आम लोग अभी आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हरिद्वार में हर की पैड़ी की तस्वीर आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि आज पहला शाही स्नान है और जो शाही स्नान है अखाड़ों का वो दिन में सुबह के वक्त शुरू होगा, लेकिन सबसे पहले आम लोग, चूँकि शिवरात्रि का मौका भी है, आम लोग आस्था की डुबकी लगाने पहुँचे हैं और उसके बाद अखाड़ों का शाही स्नान होगा। अखाड़ों के शाही स्नान के लिए बाकायदा वक्त हर बार की तरह मुकर्रर किया गया है, कितने बजे कौन सा अखाड़ा शाही स्नान करने के लिए आएगा। आपको बता दें महाशिवरात्रि के मौके पर भगवान शिव की पूजा में दूध का विशेष महत्व होता है, दूध चढ़ाया जाता है, जल चढ़ाया जाता है, बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं और जिसकी जो आस्था है वो लेकर वो मंदिर पहुंच रहा है। हालांकि कोरोना का वक्त है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की ज़रूरत है, लेकिन कई मंदिरों में आज हमने तस्वीरें देखी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। लेकिन आपसे अपील यही है कि देखिए महाशिवरात्रि है, हम सबको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना है। आइए अब आपको उज्जैन के महाकाल मंदिर की भव्य तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। देखिए कैसे दूध दही से भगवान का अभिषेक किया जा रहा है, भस्म आरती होती है उज्जैन में, जो कि ये देखिए दही चढ़ाई जा रही है और मंत्रोच्चारण के बीच शिवलिंग की आराधना करते हुए ये भक्त, आपको बता दें ये पुरोहित हैं मंदिर के, और हर साल शिवरात्रि के मौके पर इसी तरह से भगवान शिव की उपासना आराधना भक्ति की जाती है। मंत्रोच्चारण के बीच ये उज्जैन मंदिर के भक्त जो हैं, पुरोहित जो हैं, वो जलाभिषेक कर रहे हैं। जलाभिषेक के साथ साथ जो तमाम चीज़ें हैं, चंदन चढ़ाया जाएगा, दही से लगाया गया है अभी शिवलिंग को, भस्म आरती होगी और भस्म आरती की तस्वीरें देखने के लिए तो लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। और ये तस्वीरें हम आपको न्यूज़ नेशन पर आज सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं उज्जैन से, शिव भक्तों के लिए उज्जैन से ये लाइव तस्वीरें। देश के अलग अलग मंदिरों से तस्वीरें आप देख रहे हैं शिव भक्तों का तांता। सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ जुटना शुरू हो गई शिव मंदिरों में, भगवान पर फूल चढ़ाए जा रहे हैं, बेलपत्र चढ़ाए जा रहे हैं और आज देखिए एक साल बाद अद्भुत संयोग बना है, आज देवदशी और चतुर्दशी मिल रही है। आज के दिन शिव और पार्वती का विवाह हुआ था